आई मेकअप के लिए मैंने अपना बेस ऑलरेडी लगा कर रख लिया है, एवरीथिंग इज रेडी, आई जस्ट हैव टू अप्लाई द आई मेकअप एंड देन द लिपस्टिक और हमारा एक ओवरऑल लुक रेडी हो जाएगा। मैट लुक का ये सॉल्ट एंड पेपर वाला पैलेट एंड इसी में से हम अपने शेड्स सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दिस शेड, आई एम जस्ट प्लेसिंग इट ऑन माई आई लिड। सेकेंड शेड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट आउटर काइंड ऑफ लुक, काइंड ऑफ टू शेडो लुक। तरीके से कुछ ये शेड आया है एंड यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके ऐसे काइंड ऑफ विंग देने की कोशिश की है एंड इसी ब्रश को हम यूज़ करके थोड़ा सा ऐसे नीचे उसी को ब्लेंड कर देंगे। मैं कुछ और एक्स्ट्रा आई शेडो नहीं यूज़ कर रही हूँ। सिमिलर शेड हम इस पर भी लगा लेते हैं, फिर इसको लगा कर ब्लेंड कर लेते हैं हम। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने दो शेड्स जो कि काफ़ी सिमिलर है उसको क्यों लिया। तो पहले तो मैं एक ट्रांजिशन ऐड करना चाह रही थी फ्रॉम द लाइटर टू द डार्कर शेड। सेकेंडली अगर कुछ मैसअप होता तो वो ख़राब ना लगे। अगर दो अलग अलग शेड्स होते तो वो बहुत ही ख़राब लगता अगर वो मैसअप हो जाता तो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ माउंटेनर के बारे में। स्किन केयर ब्रांड है जो कि बनाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड दीज आर FDA अप्रूव्ड, ISO अप्रूव्ड, क्रुएल्टी फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हेयर रिमूवर स्प्रे, आप करवाते हो वैक्सिंग या फिर एपिलेटिंग जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, सो दिस इज द सॉल्यूशन और ये इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल है। ये आता है सनफ्लावर और शिया बटर के साथ। इट गिव्स यू स्मूथ एंड हेयर फ्री स्किन विद इन फ्यू मिनट्स। सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगा। ग्लूटाथियोन का कैप्सूल फॉर ग्लोइंग ब्यूटिफुल हेल्दी स्किन। ये इस तरीके की टैबलेट्स है जो कि आपको डेली खानी होती है। ये आपको इंटरनली ब्यूटीफुल बनाता है, ग्लोइंग बनाता है आपकी स्किन को बाय वर्किंग ऑन थिंग्स बाय विच द स्किन कैन बी इम्प्रूव्ड। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, सो डू चेक आउट फॉर रेडिएंट ग्लोइंग स्किन। ऑफकोर्स क्योंकि ये एक इनटेक प्रोडक्ट है, यूज करने से पहले पैकेजिंग की सारी डिटेल्स पढ़े और जैसा इस पे मेंशन किया गया है You have to consult with your doctor before taking it if you have any kind of allergies. इसके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, do check them all. Link मैं description में दे दूंगी। मैं यूज कर रही हूँ इस वाले शेड को जस्ट टू कवर अप दी आउटर कॉर्नर्स और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहती हूँ। ये एक वेट आई शेडो है सो इट shouldn't be bothering much. Yeah. What do you guys think? मेरा जो आईब्रो है इट्स नॉट लाइक दिस, इसका शेप काफ़ी डाउनवर्ड है एंड ऑल्सो जो इतना ज़्यादा यू नो वॉट गर्ल्स डू फॉर दी आईब्रोज, मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे काफ़ी एलर्जीज वगैरह हो जाती है, पेन हो जाता है, सो आई डोंट लाइक पुलिंग हेयर और नॉट मच, सो ये बहुत मैं कम करती हूँ। दैट्स वाई आई हैव दिस kind of downward eyebrow shape and I like it that way. So if you're someone who doesn't want it, so you don't have to. See, मैं ऐसे भी makeup apply कर सकती हूँ and I'm successfully doing it. अगर आपको कोई ऐसा high eyebrow pointed यहाँ तक ऐसा move करके ऐसा वाला कुछ अगर look करवाना है तो you can do it. ये personal choice जैसा है, सो आई वुड बी लाइकिंग इट दिस वे एज ऑफ नाउ कि इसको लेना है एंड थोड़ा सा यहाँ पे ओके। बारी है आईलाइनर की। मेरे पास है ये मैट लुक का पुश अप आईलाइनर एंड ये कुछ इस तरीके से आता है, प्रिटी बिग ब्रश। मैं मस्कारा ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मस्कारा आपको देखना है कैसा लगता है लगाकर, सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। आज की वीडियो में हम मस्कारा नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओ ख़राब नहीं हो,
तो ये ऐसा लगा है, नॉट बैड, क्योंकि एटलीस्ट वो पूरा समझ हो के खराब तो नहीं हुआ है। तो मैं अभी विंग डालने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वे टू स्केट कि मैं विंग कैसे डालूंगी एंड मैं अगर डालूंगी तो वो खराब हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा उसको मैसअप कर दिया है यहाँ पे। आई थिंक ये वाला बेटर लगा है, बट ये वाला थोड़ा सा खराब लग गया है। सो ये मैंने दूसरी साइड भी लगा लिया है एंड अगेन आई मेस्ड अप हियर। तो आई गेस मुझे थोड़ा आईलाइनर लगाने के लिए प्रैक्टिस लगेगी। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा मैसअप हो गया है एंड यहाँ भी थोड़ा सा मैसअप हो गया है। इवन दो आई ट्राइड टू फिक्स दोज मैसअप्स, लेकिन वो इतना ज़्यादा फिक्स नहीं हुए हैं। सो ये एक शेड हो गया है, दैट इज़ माई आई मेकअप। लेट्स मूव ऑन टू आवर लिपस्टिक।